हेलो वन मैनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, द सेंचुरी सुपरस्टार डॉक्टर शिवराज कुमार कन्नड़ा इंडस्ट्री के, उनकी फिल्म आई है, नाम है फिल्म का घोस्ट, हिंदी में रिलीज़ किए उन्होंने। सबसे पहले तो हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि थोड़ा सा लेट ये रिव्यू आ रहा है, क्योंकि शोज़ इसके बहुत लेट के दिए है, लेट नाइट शोज़ है। तो हमने कल देखी ये फिल्म स्ट्रगलर, और मैंने और हम दोनों इसका रिव्यू ज़रूर करेंगे आपके लिए। शुरुआत सबसे मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब घोष्ट, अनुपम खेर जी दिख रहे हैं, जयराम जी है, और डॉक्टर शिवराज कुमार, कैसे लगे? जो उनका नाम है ना डॉक्टर शिवराज, वाकई में डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर जो इसलिए है कि जो इनके हेटर्स होंगे ना, ये उनको ऐसी गोली दे के लाइन पे लेके आ जाते होंगे। लेकिन सर का जो एक मतलब एक अवतार, एक दमदार परफॉर्मेंस, जैसे रजनी सर जेलर में, ये भी जेल के बेसिस पे है, जेलर में तो थे ना, थे वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे जो एक लेवल है इन लोगों का, आज भी अगर ये ऐसी सोलो फिल्म्स लेके और आए एक्शन में, धमाका होना है। एब्सोल्युटली काफी ज्यादा आजकल के नल्ले पल्ले हीरो से ज्यादा बेहतरीन एंट्री, दमदार एंट्री, मास एंट्री इसको बोलते हैं। बोले एक डायलॉग आता है उसमें, जब यू नो पूरा जो कहानी है वो जेल जेल में यू नो बेस्ड है, जेल और बाहर की पुलिस वाले उनको बाहर निकालना चाहते हैं जेल से। तो डायलॉग आता है कि जुर्म करके जेल में जाते हुए तो देखा है, लेकिन जेल में जाकर ये जुर्म कर रहा है, ऐसा कौन है? बोले तो ओजी बैड एस द बिग डैडी ऑफ ऑल मासेस। लेकिन वो जो अवतार में बोलते हैं ना, वो अवतार ही अलग था। वो मैं क्या कर दिखाऊँ भाई, आप खुद देख लो उनको जाके। तो वही मतलब अपने लेवल पे, और अनुपम खेर सर जहाँ पे टाइगर नागेश्वरम में पूरी पिक्चर में, यहाँ पे बहुत कम आए और कम चले गए, लेकिन वो भी फॉर्म में थे, अपनी जगह के लिए थे, और उसमें भी उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। हाँ, कोई नहीं छोड़ेंगे कश्मीर को। अनुपम जी ने वहाँ पे भी वो प्लॉट रखा है थोड़ा सा। हाँ, एंड जयराम जो कि मलयालम में मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली कॉमेडी रोल्स करने के लिए जाने जाते हैं, जितना भी हमने देखा है, अगर जो डब होके आई है फिल्म में तो उनको देखा है कि कॉमेडी करते हुए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सीरियस पुलिस ऑफिसर बन के आए, एकदम शिफ्ट है, एंग्री मूवमेंट रहता है उनका हमेशा। यस यस। और रही बात इसके अंदर जो इनकी हीरोइन दिखाई गई है, वो अर्चना केजीएफ अर्चना देखे थे, जो यश की मम्मी, वो एक रिपोर्टर है इसके अंदर, लेकिन वही इसके अंदर है। और मैं एक सीन पे के ऐसा दीवाना हो गया वो सीन का, वो मेले वाला सीन, ओ बाप रे बाप, वो मेले वाला सीन तो भाई ऐसा बैठ गया है ना दिल में कि रिपीटेड वैल्यू बन गई अभी ये पिक्चर। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसको फिर से एक बार थिएटर में देखना चाहिए, कि ऐसा धमाकेदार एक्शन और डायलॉग्स, मतलब मैं तो हिल गया सर। मतलब वो एक एक्शन सीक्वेंस मुझे याद आ रहा है कि वो सबको हथकड़ी बांध के, अरे हाँ, रोक देते सारे विलन्स को, जितने भी आते सबको एक 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 हथकड़ी पहना रहे, अरे माय गॉड, मतलब अलग पावरफुल लेवल का एक्शन सीक्वेंस। सेम मतलब वो रजनीकांत जैसे ही, मतलब अब उनके साथ के हीरो है, तो जेलर में जिस तरह से थे ये फुल फॉर्म में, जब आके बैठ रहे हैं रामे कृष्णा मैम के सामने सिगार लेके, फिर बोल रहे ना डरो मत मैं हूँ इधर पे, और फिर जो काट फूट रहे थे उसमें, बैड एज़ यहाँ पे भी उनका डायलॉग काफ़ी बार हिंदी में डबिंग में रिपीट हुआ है कि बाकी मैं संभाल लूँगा, मतलब पूरा कमाल डायरेक्टर का था, जो सर को इस तरीके से प्रेजेंस किए, श्रीनिवास सर, मैं तो सर आपको हाथ जोड़ता हूँ सर, ऐसे डायरेक्शन सिखाओ। उनका भी कैमियो है, डायरेक्टर का कैमियो है, जो प्रोड्यूसर है उनका एक छोटा सा कैमियो है, मतलब सबने मिलके एक अच्छा बेहतरीन पिक्चर बनाई है, अच्छी बिरयानी बनाई है, अच्छी बिरयानी बनाई है, धक्कार ले लेके खाओ, मजा आ रहा है, मतलब मसाला भी है, सब कुछ है। देखो बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले रखा है। स्क्रीन प्ले में थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही यू नो फास्ट स्क्रीन प्ले था, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, एक अलग फैमिली के पास में भी चले जाता है कभी सीन, यू नो फिर बाहर डॉक्टर ये जयराम जो है उनका भी कुछ अलग एंगल चलते रहता है, तो वहाँ थोड़ा मैं कन्फ्यूज हुआ, लेकिन फिर वो सेकेंड हाफ में वापस से खुल जाता है कि वो फैमिली कौन थी, क्या हुआ था। फिर अनुपम खेर जी आते तो और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, वो जहाँ जहाँ फिल्म में आते हैं जो ट्विस्ट आता ही आता है, उनकी बात ही अलग है। यस, और इनको इनका जो डी एजिंग किया है, जो एंड में मालूम पड़ता है आपको कि यंग होके आते, अरे वो बाप रे, तो जो VFX जिसने भी किया है बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो डी एज किया है उनको, मतलब अगर हमारी लैंग्वेज में बोले तो रावस बोम्बिल मांदिली नहीं, सीधा वेल मच्छी बन के निकले। Correct. ये रिक्वेस्ट एक कर सकते हैं इनके सारे टीम मेंबर से कि फिल्म्स को और शोज़ दीजिए, इवनिंग के शोज़ ज़्यादा है, मॉर्निंग के आफ्टरनून के दीजिए, तो फिल्म्स देखने में और थोड़ी ज़रा ऑक्यूपेंसी। और हमने पब्लिक से भी बात किया, पब्लिक रिव्यू नहीं कर सके क्योंकि बहुत लेट नाइट के शोज़ थे,
पब्लिक से जब बात किया तो पब्लिक को भी अच्छी लग रही है पिक्चर, मतलब एटलीस्ट वो कह रहे हैं कि बाकी की जो साउथ की आई है उससे तो बेटर फिल्म है ही, तो है और छोटी पिक्चर है, ज्यादा बड़ा ड्यूरेशन नहीं है, बड़ी बात हाँ, ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं आता है कि यार 3 घंटा बैठना पड़ेगा नागेश्वर राव जैसा, वो टेंशन नहीं रहता है। मास महाराजा को देखने के लिए 3 घंटे में पब्लिक ऐसी ऐसी हो रही है, यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट्स की पिक्चर में पब्लिक का ध्यान ही सिर्फ शिवराज सर पे है, बोले आहा साक्षात प्रभु आ गए। Absolutely. तो चलो रिपोर्ट तो अच्छी लग रही है, मेरे को तो अच्छी लगी, स्ट्रगलर भी बोल रहे हैं कि यार पिक्चर अच्छी बनी है, मतलब हीरो हो और हीरो को प्रेजेंस करना, डायरेक्शन ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए और एक्टर भी ऐसे दमदार होने चाहिए, तो मेरे को तो बहुत मजा आया, मतलब करेक्ट। हमारे जो हमारे बॉलीवुड के यहाँ के जो पुराने सुपरस्टार्स हैं उनके साथ में डॉक्टर शिवराज कुमार ने एक दो पिक्चर कर लेना चाहिए, यहाँ पे तो और हंगामा होगा, हिंदी क्योंकि वो 5 मिनट की झलक में जो सीटियाँ बजी है जेलर में, यहाँ पे तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन किया, इतना उम्र में इतना मानो एक्शन करना, मतलब हम तो नहीं सोच सकते, शिवराज कुमार ने किया है, मामूली बात नहीं है। डायलॉग लास्ट में कोई याद आ रहा है और कोई? काफी ऐसे शोर शराबे में मैंने जो सुना है ना तो डायलॉग्स मुझे सुनने नहीं आए, क्योंकि वाकई में जब जहाँ जहाँ इनका एक्शन सीक्वेंस और जहाँ जहाँ पे ये जो कर रहे हैं ना, तो पब्लिक का शोर शराबे में कोई समझ भी नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा था कि रिपीटेड वैल्यू, रिपीट वैल्यू बोल रहे हैं हमारे मुंबई के स्ट्रगलर आकिब। जितना भी मैंने देखी है फिल्म को, मैंने उतना प्रेजेंस दिया है अपना, अब मैं फिर से देखूंगा, मैं जब दखल देता हूँ तो खून की नदियाँ बहती है। चलिए आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग रहेगी फॉर घोस्ट? अब सुपरस्टार्स के लिए क्या स्टार्स देना, लेकिन मैं इस फिल्म के लिए 4.5 का रेटिंग दिया है हमारे मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर आकिब ने, मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 की रेटिंग है, बेहतरीन पिक्चर है, जाके देखिए, डोंट मिस इट। बाकी की जितनी भी फिल्में रिलीज हुए इस हफ्ते में, मुझे तो ये मतलब बहुत अच्छी लगी है फिल्म, एंड अगर आप देखते तो हमको ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको ये घोस्ट कैसी लगी, और सभी जो मेकर्स है डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको वही रिक्वेस्ट वापस करेंगे कि थोड़े शोज बढ़ाइए, दोपहर के दीजिए, शाम के दीजिए, तो लोग जा पाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा रात के शोज है, तो शोज में थोड़ा ज़रा इंक्रीज होगा तो मज़ा आ जाएगा। चलिए थैंक यू थैंक यू।